नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 30 सितंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 35 लाख कोविड-19 का टीका लगाने का तय हुआ लक्ष्य। बीएसएससी की माइंस इंस्पेक्टर की 100 वैकेंसी उपलब्ध। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए बड़ी खबर। बिहार उपचुनाव में वोटिंग के लिए 11 पहचान पत्र को मिली मान्यता। बिहार के सभी जिलों में खुलेगा बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। गांधी जयंती पर बिहार में 35 लाख कोविड-19 का टीका लगाने का तय हुआ लक्ष्य। बिहार में गांधी जयंती पर कोविड-19 की रोकथाम को लेकर महाअभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत बिहार में 35 लाख कोविड-19 टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भी बिहार सरकार ने टीकाकरण अभियान चलाया था, जिसमें बिहार ने रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण करने का लक्ष्य हासिल किया था। जिसके बाद अब एक बार फिर से 2 अक्टूबर को कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर राज्य में 15,000 से अधिक टीकाकरण केंद्र बनाए जाएंगे। पिछली बार 14,500 टीकाकरण केंद्र का संचालन किया गया था। सरकारी जानकारों की माने तो इस बार ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में इतनी प्रतिशत हुई वोटिंग। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग प्रक्रिया बीते दिन आयोजित करवाई गई थी, जिसमें कुल मिलाकर 34 जिलों के 48 प्रखंडों में वोट डाले गए। वोटिंग के लिए 9,686 मतदान केंद्र बनाए गए थे। दूसरे चरण में 76,289 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। गांव की सरकार बनाने के लिए लोगों में उत्साह देखने को मिला। यही कारण है कि दूसरे चरण में लगभग 55% मतदान की खबर सामने आई है। हालांकि बीते दिन आयोजित मतदान के दौरान कई जगहों पर स्थिति नियंत्रित भी देखी गई, लेकिन चुनाव आयोग का यही कहना है कि शाम होते होते सारी स्थिति काबू में कर ली गई थी और सफलतापूर्वक चुनाव का आयोजन करवाया गया। उसके बाद अब तीसरे चरण के चुनाव को लेकर और दूसरे चरण की मतगणना को लेकर के तैयारी बिहार में शुरू हो गई है। बीएसएससी की माइंस इंस्पेक्टर की 100 वैकेंसी उपलब्ध। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने हाल ही में विज्ञापन संख्या 1/2021 के तहत माइंस इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 सितंबर से ही शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है, जबकि 22 अक्टूबर तक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया जा सकता है। आवेदन करने के इच्छुक और पात्र कैंडिडेट bssc.bihar.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके तहत अब जो योग्य उम्मीदवार आवेदन करने की इच्छा रखते हैं वो वेबसाइट पर जाकर वैकेंसी डिटेल की जांच कर सकते हैं। सीतामढ़ी के जानकी स्थान और उर्विजा कुंड में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। सीतामढ़ी नगर के पश्चिमी छोर पर जानकी स्थान और उर्विजा कुंड है। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह स्थल हिंदू धर्म में विश्वास रखने वालों के लिए अति पवित्र है। ऐसा कहा जाता है कि उक्त कुंड के जीर्णोद्धार के समय आज से लगभग 200 साल पूर्व उसके अंदर उर्विजा सीता की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसकी स्थापना जानकी स्थान के मंदिर में की गई। कुछ लोगों का कहना है कि वर्तमान जानकी स्थान के मंदिर में स्थापित जानकी जी की मूर्ति वही है जो कुंड की खुदाई के समय उसके अंदर से निकली थी। सार्वजनिक स्थलों पर होगी महिला पुलिस की तैनाती। पटना हाईकोर्ट ने 20 जुलाई को ओम प्रकाश कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में पारित न्यायिक आदेश में सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के उपाय करने को कहा था, जिसके बाद अब पुलिस मुख्यालय हरकत में आ गई है। यही कारण है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थलों पर महिला पुलिस पदाधिकारी और पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति जल्द ही शुरू होने वाली है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को पत्र लिखा है। जारी किए गए पत्र में सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष उपाय करने को कहा गया है। इसके साथ ही स्थलों पर संबंधित थानों और अन्य पुलिस पदाधिकारियों के मोबाइल नंबर और बेसिक फोन नंबर होर्डिंग पैम्पलेट और बुकलेट के माध्यम से प्रचारित प्रसारित और वितरित करने का आदेश जारी किया गया है। चकबंदी विधि से ही होगा जमीन विवाद का निपटारा। बिहार में जमीन विवाद आम बात है। जमीन विवाद के कारण अपना अपनों का दुश्मन बन जाता है, लेकिन अब जमीन विवादों के निपटारे के लिए बिहार सरकार खास पहल कर रही है, जिसके तहत बिहार सरकार के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने प्रदेश में भूमि सुधार को लेकर कहा है कि भूमि सुधार का काम चल रहा है। जल्द ही इसको लेकर एक पोर्टल बनाया जाएगा और भूमि संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि भूमि सुधार को लेकर चकबंदी विधि शुरू की जाएगी, इससे किसानों को लाभ होगा। बिहार के करीब 40 राजस्व गांव में इस विधि को शुरू कर दिया गया है। चकबंदी विधि से किसानों की जमीन के छोटे छोटे टुकड़े को चक बनाया जाएगा। इससे किसान अपनी जमीन को चाहे तो बड़े लोगों से बड़ा हिस्सा बेच सकते हैं। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए बड़ी खबर।
अगर अभी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने अगर आप जा रहे हैं तो आपके लिए खबर कुछ खास है। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए सरकार अब जल्द ही नई सुविधा बहाल करने जा रही है, जिसके तहत सरकार की तरफ से जारी किए गए इस फैसले से वैसे लोगों को अधिक राहत मिलेगी जो गाड़ी चलाना तो जानते हैं लेकिन उनके पास अपनी गाड़ी नहीं है। ज्ञात हो अब ड्राइविंग लाइसेंस दिए जाने से पहले होने वाले टेस्ट के लिए अब आवेदकों को अपना वाहन लेकर नहीं आना होगा। एजेंसी ही ड्राइविंग टेस्ट के लिए दोपहिया से लेकर चार पहिया गाड़ियां उपलब्ध करवाएंगी। हालांकि ध्यान रहे कि सुविधा मुफ्त में नहीं मिलेगी, जिसके तहत परिवहन विभाग एजेंसी को प्रति आवेदक 100 रुपए का भुगतान करेगा। बिहार के लगभग सभी जिलों को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से राजधानी पटना समेत 31 जिलों के लिए बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती हवा का क्षेत्र बने होने के कारण कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिस कारण से नमी की मात्रा बिहार में भी देखने को मिलेगी। इसका प्रभाव आने वाले 24 घंटे में उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया और दक्षिण मध्य बिहार के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद के कुछ जगहों पर देखने को मिल सकता है। साथ ही बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल के साथ उत्तर पश्चिमी बिहार के पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और उत्तर मध्य बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में एक या दो जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। निर्वाचित MLC रोजिना नाजश ने किया शपथ ग्रहण। बिहार विधान परिषद की एक सीट पर हुए उपचुनाव में निर्विरोध चुनी गई रोजिना नाजश ने बीते दिन शपथ ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां पर मौजूद थे। शपथ बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने दिलवाई। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में रोजिना नाजश ने मुख्यमंत्री आवास जाकर CM नीतीश से मुलाकात की थी। इस मौके पर जल संसाधन मंत्री संजय झा और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद रहे थे, जिसके बाद ही उन्हें यहां सीट देने पर निर्णय लिया गया है। जदयू के विधान पार्षद तनवीर अख्तर के समय से पहले गुजर जाने से यह सीट खाली हो गई थी, जिस पर अब उन्हीं की पत्नी को उम्मीदवार बनाया गया है और वो निर्विरोध चुनी भी गई। गन्ना किसानों को मुआवजा देगा गन्ना विभाग। प्राकृतिक आपदा के कारण गन्ना किसानों को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। हालांकि इन सबके बीच गन्ना उद्योग और विधि मंत्री प्रमोद गुप्ता ने बघा में एक कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान सभी किसानों को मुआवजा देने की बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक क्षति की भरपाई के लिए गन्ना विभाग के द्वारा सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। जल्द ही किसान उसके पोर्टल पर आवेदन करना शुरू कर देंगे, जिसके बाद विभाग के द्वारा आवेदनों की जाँच होगी और उसके बाद मुआवजे की राशि उनके खाते में भेजी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले महीने से बिहार के कई जिलों में हुई बारिश के कारण गन्ना की फसल पूरी तरीके से चौपट हो गई है, जिससे इस साल गन्ना किसानों की आर्थिक क्षति भी हुई है। इन्हीं क्षति को पूरा करने के लिए विभाग की तरफ से किसानों को आर्थिक मुआवजा दिए जाने का फैसला लिया गया है। उपचुनाव में वोटिंग के लिए 11 पहचान पत्र को मिली मान्यता। बिहार उपचुनाव का आयोजन जल्द ही होने वाला है। दो उम्मीदवारों के असमय गुजर जाने के कारण 30 अक्टूबर को कुशेश्वर स्थान और तारापुर में चुनाव का आयोजन होगा। हालांकि इस उपचुनाव में कौन कौन से लोग वोट दे सकेंगे इसकी जानकारी निकल करके सामने आई है, जिसके तहत उपचुनाव के दौरान इपिक के अतिरिक्त 11 प्रकार के पहचान पत्र को मान्यता दी गई है। इसमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक और डाकघर का फोटोयुक्त खाता, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सर्विस पहचान पत्र, सांसद, विधायक और विधान पार्षद के लिए जारी पहचान पत्र शामिल है। सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट से परेशान हुए UPSC टॉपर शुभम। UPSC टॉप करने वाले शुभम कुमार की चर्चा बीते कई दिनों से लगातार बिहार के साथ साथ पूरे देश में हो रही है। हालांकि उनकी यह शोहरत उन पर ही भारी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसी लगातार चर्चा हो रही थी कि शुभम सोशल मीडिया पर कई विषयों पर खुलकर टिप्पणी देते आए हैं। लेकिन जैसे ही UPSC के रिजल्ट की घोषणा हुई, उसके बाद शुभम ने कटिहार कदवा स्थित उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह के सार्वजनिक मंच से उनके द्वारा सोशल मीडिया में किसी भी विषय पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि उनके नाम पर कोई फेक अकाउंट बनाकर टिप्पणी कर रहा है, लेकिन उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि ऐसे विषय को बेहद गंभीरता से ना लें। बिहार में पहली बार तैयार होगी महिला कमांडो की फौज। बिहार में महिला पुलिसकर्मियों की बहाली बढ़ चढ़कर हुई है, जो अन्य राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा है। वहीं बिहार के नाम एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज होने जा रही है, जिसके तहत देश में पहली बार महिला कमांडो की फौज तैयार की गई है। अब इन महिला कमांडो की ट्रेनिंग का काम चल रहा है। अब ट्रेनिंग के बाद यह महिला कमांडो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, जिसके बाद अब जल्द इन्हें उन चुनौतियों का सामना करने के लिए विशेष तौर पर गठित एजेंसियों में तैनात किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पहली बार किसी राज्य पुलिस में ऐसी महिला कमांडो की फौज तैयार हुई है, जिसे अर्धसैनिक बल की देखरेख में प्रशिक्षित किया गया है।
31 दिसंबर को बंद हो जाएंगे बिहार के 15 जिलों के दूरदर्शन केंद्र। बिहार के 15 जिलों के दूरदर्शन केंद्र को 31 दिसंबर तक बंद कर दिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार अक्टूबर के अंत में ही देश के विभिन्न राज्यों के शहर में स्थापित 152 प्रसार भारती दूरदर्शन केंद्रों को बंद किया जाएगा। वहीं बिहार में भी 31 दिसंबर तक दूरदर्शन भारती बंद किए जाएंगे। ज्ञात हो इन सभी दूरदर्शन केंद्रों को बंद का निर्णय प्रसार भारती लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन निदेशालय नई दिल्ली ने ले लिया है। इसको लेकर सहरसा सहित भागलपुर और कटिहार दूरदर्शन केंद्र के प्रभारी सीनियर असिस्टेंट इंजीनियर डीएस प्रसाद ने बताया कि दूरदर्शन केंद्र को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसमें 3 जिले के संचालित केंद्र अक्टूबर के अंत में और बाकी केंद्र 31 दिसंबर तक बंद हो जाएंगे। सभी जिलों में खुलेगा बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को अब अपनी शिकायत को लेकर दर दर नहीं भटकना होगा, क्योंकि अब राज्य के सभी 38 जिलों में बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम खुलने जा रहा है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत बिना किसी रोक टोक के सीधे दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को वकील रखने की जरूरत नहीं होगी। विद्युत विनियामक आयोग ने जिलों में उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम खोलने को हरी झंडी दे दी है। पहले चरण में एरिया बोर्ड और दूसरे चरण में सप्लाई सर्किल और तीसरे चरण में जिलावार उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम खोलने की योजना है, जिसमें 3 सदस्य शामिल हैं। कुछ भी हो जाए, जदयू का उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना तय। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश के विधानसभा में अपनी किस्मत आजमाने वाली है। हालांकि इसको लेकर लगातार कई तरीके की खबरें मीडिया में आ रही थी, लेकिन अब जदयू के संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू के स्टैंड को साफ कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि जदयू किसी भी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। हम तो चाहते हैं कि यूपी में जदयू भाजपा के साथ चुनाव लड़े, लेकिन यदि संभव नहीं हो सका तो जदयू यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। बिहार कांग्रेस प्रभारी ने सीएम नीतीश को केंद्र के भरोसे नहीं रहने की दी नसीहत। जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर बिहार में लगातार राजनीति जोर शोर से हो रही है। हालांकि सबके बीच विपक्ष सीएम नीतीश को अलग अलग सुझाव भी दे रहा है। इसी कड़ी में बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने भी सीएम नीतीश को बीते दिन दो टूक नसीहत दी है, जहां उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को जातीय जनगणना जल्द से जल्द करानी चाहिए। यह दुखद है कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने यह कह दिया है कि वो जातीय जनगणना नहीं कराएगी। जातीय जनगणना होगी तो किसकी कितनी संख्या है, इसका पता चल सकेगा। हालांकि अब सीएम नीतीश को केंद्र के भरोसे रहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुख्यमंत्री भी यही चाहते हैं तो उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। नीतीश कुमार को खुद ही बिहार में जातिगत जनगणना करवानी चाहिए। विशेष राज्य की मांग से पीछे नहीं हटेंगे सीएम नीतीश। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने की मांग सीएम नीतीश न जाने कब से करते आए हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने मानो नजरअंदाज करने की जिद ठान ली है, जिससे परेशान होकर ही हाल ही में नीतीश सरकार के मंत्री ने विशेष राज्य की मांग को कभी ना दोहराने की बात कही थी। लेकिन अब सीएम नीतीश ने इस मुद्दे पर आकर सब कुछ साफ कर दिया है, जिसके तहत सीएम नीतीश ने एक बार फिर से दोहराया कि वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग से पीछे नहीं हटे हैं। दरअसल ये पूरा मुद्दा तब शुरू हुआ जब तेजस्वी यादव ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर सीएम नीतीश को पत्र जारी करने की बात कही थी। हालांकि सीएम नीतीश ने किसी भी तरीके की पत्र की बात से साफ तौर पर इनकार किया है। राजद ने पटना में पोस्टर से एनडीए सरकार पर किया हमला। बिहार में पोस्टर की राजनीति की एक अलग ही जगह है। बयानबाजी, व्यंग, आरोप प्रत्यारोप के बाद पोस्टर की राजनीति का एक अलग ही मंजर बिहार में देखने को मिलता है। इसी कड़ी में बीते दिन एक बार फिर से राजद ने पोस्टर के माध्यम से सरकार पर आरोप लगाने का काम किया है, जिसके तहत पटना में राजद दफ्तर के बाहर किसानों के साथ पीएम मोदी और सीएम नीतीश की तस्वीर लगाई गई। इस पोस्टर के जरिए एनडीए की सरकार में किसानों की दुर्दशा को दर्शाने की कोशिश की गई है। आपको बता दें, इस पोस्टर को दो भाग में बांटा गया है। पोस्टर का ऊपरी हिस्सा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर को रखा गया है, जबकि पोस्टर के नीचे के भाग में किसानों की दुर्दशा को दिखाने की कोशिश की गई है। वहीं पोस्टर में लिखा है, किसानों की हालत पर अति प्रसन्न। 8 अक्टूबर को लोजपा के पारस गुट पटना में मनाएंगे रामविलास पासवान की पुण्यतिथि। 8 अक्टूबर को पटना में लोजपा के पशुपति पारस गुट की तरफ से रामविलास पासवान की पुण्यतिथि मनाई जाएगी, जिसमें देश भर से रामविलास पासवान के चाहने वाले और प्रशंसक पटना आएंगे। पटना स्थित लोजपा कार्यालय में मौजूद सभी नेता शामिल होंगे। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने बताया कि पुण्यतिथि को ऐतिहासिक बनाया जाएगा। ऐसी पुण्यतिथि ना तो पहले किसी की मनाई गई होगी और ना ही भविष्य में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे पटना में अभी से ही लोग अपने प्रिय नेता रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने के लिए आतुर है। इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। औरंगजेब ने हैदराबाद के गोलकुंडा के किले पर 1687 को कब्जा किया। विश्वनाथन आनंद ने 2003 में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती। प्रख्यात पार्श्व गायक मन्ना डे को साल 2007 प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए 2009 में चुना गया। भारतीय गायक शान का जन्म 1962 में आज ही के दिन हुआ था। भारत की शॉटपुट एवं जैवलिन थ्रो की खिलाड़ी दीपा मलिक का जन्म 1970 में आज ही के दिन हुआ था। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता माधवराव सिंधिया का मैनपुरी में 2001 को
वायुयान में दुर्घटना में उनकी जान आज के दिन गई थी। बिहार जायसवाल युवा महासभा ने संगठन का किया विस्तार। बिहार में अधिकतर जाति समाज का संगठन होता ही है। इन्हीं संगठनों के माध्यम से गोलबंदी और सशक्तिकरण की प्रक्रिया की जाती है। इसी बीच जायसवाल महासभा की तरफ से बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है, जिसके तहत जायसवाल महासभा अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। यही कारण है कि बिहार प्रदेश जायसवाल युवा महासभा ने प्रदेश में कार्यकारी अध्यक्ष के लिए आशीष जायसवाल को नामित किया है, जिसके बाद जायसवाल महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनने पर आशीष जायसवाल ने बधाई दी है। उन्होंने इसके लिए महासभा के अध्यक्ष राकेश जायसवाल, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, सांसद रामा देवी, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और विधायक पवन जायसवाल को बधाई दी। दुबई में राजस्थान रॉयल्स पर भारी पड़ा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। दुबई में खेले जा रहे इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के 43वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच का आयोजन किया गया। आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने राजस्थान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। इस मुकाबले में दोनों टीमों ने बदलाव के साथ उतरने का फैसला किया था। एविन लुइस के अर्धशतक के दम पर राजस्थान ने निर्धारित 20 ओवर में बैंगलोर के सामने 9 विकेट पर 149 रन बनाए। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान ने 153 रन बनाए और ये मैच 7 विकेट से अपने नाम किया। बिहार में कोविड 19 के मिले 5 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 4 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 54 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो गया में 1, खगड़िया में 1, पटना में 1 और अन्य राज्यों से कलेक्ट किए गए सैंपल में 1 मामले की पुष्टि हुई है। वहीं अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली, वेस्ट चंपारण में एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 150,084 सैंपल की जांच की गई। वहीं 2 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। अमेज़न का खास रोबोट एस्ट्रो हुआ लॉन्च। अब घर की निगरानी करना और भी ज्यादा आसान होने वाला है। ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न ने घर की निगरानी और कार्यों के लिए एक खास रोबोट लॉन्च किया है, जिसका नाम एस्ट्रो है। इस रोबोट का लुक एनिमेटेड कैरेक्टर वॉल-ई से मिलता है। इस रोबोट में कनेक्टिविटी के लिए कैमरा से लेकर सेंसर तक दिए गए हैं। इसके साथ ही रोबोट में AI तकनीक और Amazon Alexa का सपोर्ट मिलेगा। कंपनी का कहना है कि ये डिवाइस यूजर के बहुत काम आएगा और उनके घर का बेहतर तरीके से ध्यान रखेगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रविंद्र पासवान, राजेश संध्या, सोनू यादव, श्रवण कुमार, रौनक प्रवीण, अनिल कुमार, मोहम्मद फैजान, दिवाकर सिंह, गोविंद कुमार, नंदू कुमार, मयंक प्रसून, मिथिलेश राज, अशोक ठाकुर, विजय पासवान, अंशु पाठक। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आपके जिले का सबसे मशहूर पर्यटन स्थल कौन सा है? अपने जवाब हमें अपने जिले के नाम के साथ कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।